समालखा से निर्दलीय विधायक रविंद्र मछरोली की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है। आपको बता दें कि विधायक ने भारतीय स्टेट बैंक से करीब 18 करोड़ रुपए कर्ज लिया, जो ब्याज सहित 19 करोड़ 86 लाख हो गया, जिसको ना चुका पाने की वजह से बैंक ने विधायक की फीड्स कंपनी सहित 7 प्रॉपर्टियों को जब्त कर लिया। बैंक की भाषा में इसे सांकेतिक कब्जा कहा जाता है। वहीं विधायक ने हालांकि इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। मेरा इस तरह से कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई होने मेरी कोई फैक्ट्री, कोई मेरी एचरी से भी काम ना, व्यापारी भी हूँ, विधायक आप लोगों के आशीर्वाद से विधायक भी और एक व्यापारी भी हूँ। कोई कहीं कोई बैंक कब्जा या बैंक से कोई होनी है, कोई मेरा डिस्प्यूट नहीं है। मैं इसके खिलाफ अभी मैं वो करवा रहा हूँ, जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है, झूठा षड्यंत्र रचा है, मैं इनके खिलाफ भी अभी वकील से सलाह करके इसके खिलाफ भी कार्रवाई करवाऊंगा। लेकिन जनता चुनाव में इनको अपने आप ही बता देगी कि भाई इस तरह के षड्यंत्र रचने वाले और ऐसे लोगों को सबक सिखाना जनता का काम है, तो ये सब झूठी अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं, जो भी इस तरह का है, ऐसा मेरा कोई मामला नहीं है ना कुछ है। विधायक की माने तो ये विरोधी नेताओं की साजिश है। पिछले चुनाव में भी अफवाहें फैलाई गई थी। जनता उनके खिलाफ साजिश रचने वालों को आगामी चुनावों में सबक जरूर सिखाएगी। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। R9 TV के लिए पानीपत से प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट।